हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीसी के चैनल में। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है। वो एक पेनी स्टॉक है, तो आइए हम उसके बारे में आज बात करते हैं। देखिए, इसका आप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। ये एक दिन की अगर आज की हम आज बात करें तो ये 9 रुपए प्लस हुआ है। जैसे 5% मैक्सिमम अगर हम देख सकें तो 5% इसमें आज इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम 1 वीक चार्ट पैटर्न देखें तो इसमें 21% इंक्रीमेंट हुआ है। और महीने में, एक महीने में जैसे इसमें एक गिरावट भी आई है थोड़ी थी, तो ज्यादा मायने नहीं रखती इसके लिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। और जो कि 66% रिटर्न दी है, 3 साल की बात करें तो इसने 5000% से भी ऊपर रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों, इसमें ये पेनी स्टॉक है, बहुत मतलब बढ़ता है घटता है इनका कोई पता नहीं रहता, पेनी स्टॉक कुछ ऐसे ही होते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसे समझ लो, 52 वीक में इसका लो 7 रुपए गया है और 52 वीक में इसका हाई 206 रुपए गया है। इसका वैसे तो प्राइस अच्छा है, किसी ने 7 रुपए में खरीदा होगा उसका, 206 रुपए में उसका काफी रिटर्न आई है। तो बेस्ट रिटर्न 5000% कम से कम उसे रिटर्न मिली है। आइए, अच्छा अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप जो है वो 38,000 करोड़ का है। फाइनेंशियली वैसे ये स्ट्रांग कंपनी है, तो हम इसे कंसीडर करने की तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। और जिस हिसाब से इसकी इंडस्ट्रीज है, 18.53 जो दिखा रहा है ये, तो मतलब कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज ही हो रहा है वैसे, और काफी अच्छा पेनी स्टॉक है अगर कहें तो अभी पिछले 1 साल से। अब हम इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो इसका रेवेन्यू जो है कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, जो इसका एक डिसएडवांटेज है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पेनी स्टॉक का। और अगर हम देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि प्रमोटर्स 75% अप्रोक्स हैं और रिटेलर जो है 25% है, लेकिन इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट कोई भी रोल नहीं है। इस हिसाब से स्टॉक को मैं बोलूंगा नहीं कि आप कंसिडर करो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली डेली रूटीन में आप इसे चेक कर सकते हो कि क्या प्राइस है, क्या कुछ है, और लेना चाहो तो अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूट अगर कुछ इसमें एक्शन दिखाते हैं तो हम कोशिश करेंगे इसे लें। अच्छा दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है टाटा टेलिक सर्विसेज। ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनाथ नरसिम्हा है, जो कि ये जो कंपनी है वो 1995 में फाउंड हुई है। तो इसका NSE ने सिंबल दे रखा है TTML। तो हम देखते हैं इसे क्या कंसीडर करते हैं, पर इसे मैं आपको खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, कभी भी माइनस आ सकता है और कभी भी पॉजिटिव जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।